मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ अपना मेकअप बॉक्स शेयर कर रही हूँ कि मेरे मेकअप बॉक्स में क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका लॉक ओपन कर लूँगी। देख सकते हैं आप, इसके तीन स्टेप इस साइड पे हैं। इस तरह से इजी क्लोज हो जाते हैं और इजी खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तीन साइड इस साइड पे हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये मेरा मेकअप बॉक्स। मैं आपको सारी चीज़ें भी दिखाती रहूँगी। और मेकअप मैं वैसे इतना करती नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ मैंने रखी भी ज़रूर है, वो इस वजह से भी क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है। मैं ब्यूटिशियन रह चुकी हूँ, हूँ भी और रह चुकी हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, शादी के बाद थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये कि अगर मैंने शुरू किया तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने कहा कि आज आपके साथ मैं अपना मेकअप बॉक्स शेयर करती हूँ। और ये मेरा एक मेकअप के लिए ही मैंने ये रखा हुआ है, छोटा सा बैग, बैग बोल सकते हैं ये आप इसको, मेकअप का ही होता है ये पाउच। तो इसमें मैं कभी आती जाती हूँ कहीं पर, तो इसमें मेकअप जो मेरा यूज़ का होता है मैं डालती हूँ, और ये बैग में मेरे हैंड बैग में आ जाता है और मैं इसको ले जाती हूँ। मैंने ये भी इसी में ही रखा हुआ है कि ताकि मुझे मिल जाए वक्त पे, क्योंकि वक्त पे चीज़ मिलती नहीं है। और सबसे पहले मैं बात करती हूँ अपने आई शेड्स के बारे में। आई शेड किट मेरी ख़त्म हो चुकी है, वो मैंने नहीं है मेरे, मैं न्यू लाऊंगी, मैं आपको शेयर करूंगी। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे पास इस तरह के ये छोटे जो सेपरेट में होते हैं ना, इस तरह के ये आई शेड हैं, अगर आप देख सकें तो। थोड़ा सा लाइट का इशू है क्योंकि लाइट्स हैं नहीं कराची में, लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। ये देखिए ये है, और ये अलग अलग सेपरेट वाले हैं, और ये ग्लिटर वाले हैं। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्लिटर में है, लेकिन ये कौन से ग्लिटर है, ये प्रेस ग्लिटर है। इसको हम प्रेस, ये देखें ये गिरेगी नहीं, कुछ भी नहीं, डस्ट वाली नहीं, ये प्रेस है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये प्रेस ग्लिटर है, बहुत ही अच्छा है। और ये वाला भी प्रेस ग्लिटर है, लेकिन ये जो है ये डस्ट वाले हैं, ये डस्ट है। तो डस्ट वाले भी कभी ज़रूरत पड़ ही जाते हैं। और ये 3D है, मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये 3D है, इस पर लिखा हुआ भी है 3D हाईलाइटर है। ये हाईलाइटिंग के लिए, जो आईज़ के पास जो कॉर्नर पे हाईलाइट करते हैं ना, ये उसके लिए है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा लंबी मैं नहीं, मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगी कि ज़्यादा लंबी ना हो। और ये जो है ये देख सकते हैं आप, ये जेल है, ये इस तरह के शेड वगैरह जो डस्ट वाले होते हैं उनको मिक्स करके लगाने के लिए आई जेल, ये शेड का ही जेल होता है। इस तरह ये पिक्चर इस पर बनी हुई है, और इस पर लिखा हुआ भी है, मगर बहुत छोटा लिखा हुआ है, नज़र नहीं आएगा आपको। तो ये जो जेल है, ये जो इस तरह के, ये तो प्रेस वाले हैं ना, इस तरह के जो दूसरे होते हैं जैसे ये वाले हैं, ये चीज़ है, ये डस्ट है। तो इसमें ये मिलाकर हम ये लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है आँख में, जो आँखों के ऊपर जो चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ इसको, रुके। ये देखें ये सॉरी गिर भी गया थोड़ा सा, इसका यही डर लगा रहता है। ये हम अगर ऐसे ही आँख पे लगाएंगे ना, ये देखें ये गिरेगी, ये डस्ट गिर रही है। तो ये इसमें ये लिक्विड इसके साथ ही लेना पड़ता है हमें, ये हम लगाएंगे ये लिक्विड के साथ, अच्छे तरीके से लग जाती है। बड़े ही खूबसूरत तरीके से आजकल ये चल रहा है, हम घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे नज़दीकी शादी है, तो मैं जो आई मेकअप करूँगी अपना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिएगा कि मैंने किस तरह का मेकअप किया है, और मुझे ज़्यादातर हैवी मेकअप पसंद नहीं है, तो मैं सिंपली कोशिश करती हूँ सिंपल आई मेकअप हो, ज़्यादा हैवी ना हो। ये वाइट पेंसिल है जो आजकल चल रही हैं काफ़ी, ये बेबी की ब्राइडल है, इस पर लिखा हुआ है। और ये है जी लिप के लिए आई पेन, लिप भी है और आई पेंसिल भी है, लेकिन खैर लिप पे मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये वाइट पेंसिल है जो आँख के अंदर लगती है। मैं आपको स्मच करके दिखाती हूँ कि किस तरीके की है ये।
ये इस तरह की हमारी पेंसिल है, ये देख सकते हैं हम। ये आई के अंदर वाइट पेंसिल जो लगती है ये वो है, ये देखिए। और काफ़ी अच्छा लुक देती है, जो लोग ज़्यादा काजल वगैरह या सुरमा वगैरह जो नहीं पसंद करते हैं आँख के अंदर लगाना, उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहती है। इससे आँखें बड़ी बड़ी भी लगती हैं। मैं अभी यही आजकल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सुरमा और काजल पसंद नहीं है। ये लिप ग्लॉस है और ये मैं चेज वैल्यू सेंटर से लाई थी, इसे प्राइस ये टैग भी लगा हुआ है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छा है। और मेन मेन जो चीज़ें हैं जो आप लोगों को रखनी चाहिए जो अच्छी हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ आप वही लें। ब्रांड नेम मैं आपको नहीं बता रही, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यह हमारा ब्लश ऑन है, एज अ ब्लश ऑन भी है और जो हमारी हम जो यूज़ करते हैं ना ब्लश ऑन, ये उस तरह का ही। देखिए ये फोम दिया हुआ है इसके साथ और ये फोम से और ब्रशेस से भी यूज़ हो सकता है। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा है, इस ये बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर आप लोग लीजिएगा, बहुत अच्छे। ये छोटे छोटे से बॉल हैं, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें। अच्छा ये मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना बॉल्स वाला, ये मैट में भी आता है और ग्लिटर में भी आता है। ये थोड़ा सा ग्लिटर में है, मतलब नॉर्मल है। अगर आप ये लेंगे, खाली सिर्फ ये लेना चाहते हैं तो ये ग्लिटर में भी इतनी ज़्यादा ग्लिटर नहीं होती और इतना ज़्यादा मैट भी नहीं होता, सही होता है। और एक ये ब्लश ऑन है, ये मैंने चेज वैल्यू सेंटर से लिया था, 99 रुपीज़ का लिया था, लेकिन ये 99 रुपीज़ से भी ज़्यादा का काम करता है, बहुत अच्छा है। इसमें देख सकते हैं आप, ये इस पे लिखा हुआ भी है कि ये मैट ब्लश है। या फिर नहीं नहीं करें, आपके काम का नहीं, आपके काम का थोड़ी है, आपके काम का। और ये देख सकते हैं आप, ये 1 2 3 ये मैट ब्लश है, सॉरी ये मैट है। हाथ लाओ अपना आगे राफे, ये देखें ये पिंक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। राफे अपना हाथ रखो यहाँ पे, मैट में भी ये इतना ज़बरदस्त कलर है कि बिल्कुल वो डार्क नहीं है, बहुत से लाइट लाइट से कलर है। और ये वाइट में भी है, इन्होंने ऑफ वाइट में भी ना दिया हुआ है, ये देखें। ये मैट भी बहुत अच्छा है, मैं तो चेज वैल्यू, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर कुछ लेना है तो आप ज़्यादातर, मैं यही बोलूँगी कि चेज वैल्यू सेंटर चले जाएँ, वहाँ से ये होगा कि आपको लो प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो ज़रूर जाइएगा और आप ज़रूर लीजिएगा। क्या बोल रहे हो? ये देखें आप, राफे ने ये पूरा हाथ में मल लिया है अब्दुल राफे ने, ये देखें। दूसरा हाथ भी दिखाओ, वो मेरा यही होता है, मैं मेकअप खोल के बैठती हूँ और ये अपने मुंह पे लगाने लग गए थे, मुंह पे भी चमक आ चुकी है जगह जगह, ये तो हाल है। पीछे हो जाओ आप, पीछे हो जाओ तो। और अगर मैं ज़्यादा आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। ये हैं जी लाइनर, ये ग्लिटर लाइनर है, एक गोल्डन और एक सिल्वर में अपने पास रखती हूँ, क्योंकि अगर आप लाइट मेकअप भी करें ना उसमें ये चीज़ें जो हैं चंद एक चीज़ें आप ले लें तो आपका मेकअप किट बहुत अच्छी बन जाएगी और बहुत रिजनेबल प्राइस में बन जाएगी। ये कंटोर किट है, कंटोरिंग की है ये, तो ये किट है, ये लिक्विड है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं यूज़ करती हूँ, मुझे किसी बेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें 1 2 3 4 5 कलर हैं और ये लिक्विड फॉर्म में है बिल्कुल। छोड़ दो छोड़ दो, राफे साहब आए हुए हैं, तंग कर रहे हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, बहुत ज़बरदस्त है। अपने आपने लेना है तो इस तरह की किट्स आजकल बाज़ार में मिल रही हैं, ये आप ले सकते हैं। और अगर बात की जाए कंटोरिंग की, जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो आप ये ले सकते हैं, देख सकते हैं ये बहुत अच्छा है। ये मैंने अभी खोला नहीं है क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैंने ला के रखा हुआ है और ये एक्स्ट्रा है मेरे पास जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वो दूसरा है ओपन हुआ हुआ है, ये रखा हुआ है मैंने, तो ये अच्छी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। ब्रशेस की मैं आपको अलग वीडियोस बना दूँगी कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और अच्छा मेकअप आप घर में कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी लाऊँगी। और ज़रूरी नहीं आप बड़ी बड़ी जो है किट्स वगैरह लें, हाइलाइटर अलग लें, ये पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर है जो आँख के आगे, आजकल आँखों के आगे जो ज़रा थोड़ा सा कॉर्नर चल रहा है, ये देख सकते हैं आप इस तरह का, यहाँ पर ये लगा हुआ है।
और ये लगा हुआ है, ये कॉर्नर जो चल रहा है ना उसके लिए आप या तो ये 3D ले लें, ये 100 से 150 की रेंज में मिल जाता है, और प्रेस वाला लें तो बहुत ज़बरदस्त है। पाउडर फोम में लें वो भी अच्छा है, ये पाउडर फोम में तो एक एक आप बताने का मकसद ये, सेपरेट चीज़ें भी आप लेके अपना अच्छा एक मेकअप रख सकते हैं, कम रेंज में अच्छी चीज़ रख सकते हैं। तो बाकी ये कि ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी वो लें चीज़ें और वही मेकअप अच्छा होता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ज़ाहिर बात है तलाश में रहती हूँ मेकअप की, मैं छोटी छोटी चीज़ें ना अलग अलग जो मुझे सही लगती हैं मैं वो लेती हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्लश ऑन है, ये मैंने डॉलर शॉप से रावलपिंडी जब मैं गई थी अपनी मम्मा के घर तो मैं उधर से लिया था, मैंने ये बहुत पहले, ये फट भी चुका है और काफ़ी अच्छा है ये, इसको 2 से 3 साल हो गए हैं। ठीक है, अच्छी चीज़ों की एक्सपायरी भी लॉन्ग टाइम की होती है, 2 साल तो हो रहे हैं, तो ये अभी भी इतना ज़्यादा है, इसमें इतना अच्छा ही दिया भाई, ये हटाएं आप, और ये ब्लश ऑन है देख सकते हैं आप, तो ला दो इधर, राफे ने इसका काम कर दिया, छोड़ दो राफे नहीं करो आप। बाकी के ब्रशेज़ वगैरह पे मैं आपको बनाऊंगी वीडियो अलग, अगर आप लोग चाहते हैं मैं बनाऊं अपनी ज्वेलरी शेयर करूं और अपने ब्रशेज़ वगैरह की बनाऊं तो मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छे अच्छे तरीके की हैं, और सिंपल वही सब चीज़ें हैं, ये ब्लैक पेंसिल है, ये ब्लैक पेंसिल है, ये आईब्रो पेंसिल है, बस ये सब वही चीज़ें हैं, ये एक पेंसिल है, सिल्वर पेंसिल है, और ये मैंने रखा हुआ है, मैं लगाती नहीं हूँ लेकिन ये कि मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये लॉरियर पेरिस का है, ब्लैक कलर का आईलाइनर है, लिक्विड आईलाइनर है ये, और फेस पाउडर जो है मैंने ये मैं यूज़ करती हूँ, ये देख सकते हैं आप, फेस पाउडर मेडोला का भी अच्छा है, वेलवेट उसमें जो नंबर है ना उसका वेलवेट आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने ये स्टेम्प लाइनर है, इसका भी मैं आपको अलग से एक रिव्यू दूंगी कि ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है, और बस ये शाइनर है, एक लूज़ पाउडर है, ये आई थिंक लूज़ फेस शाइनर है, आर्टिमिस वालों का है ये, और ये लूज़ फेस पाउडर है, और ये है ब्लशन किट जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेकअप कलर है 5 ब्लशन किट है, ये मैट है, ये देखें ये इस तरह से खुलती है, इस टाइप की चीज़ें आप लेना चाहते हैं तो चेज़ वैल्यू सेंटर अगर कराची में है तो, और अगर रावलपिंडी या इस्लामाबाद में है तो आप चले जाएँ किसी भी ये नहीं कि कोई एक ही है, किसी भी डॉलर शॉप में चले जाएं, बहुत अच्छा आपको मेकअप मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। बाकी जी ये स्टिक्स वगैरह हैं, मैं ये यूज़ करती हूँ, टीवी स्टिक्स हैं ये, 2W और 7W, ये मैं यूज़ करती हूँ, तो ये आप ले सक आप अपने हिसाब अपने मुताबिक ले सकते हैं। ये हाइलाइटर है, ये भी मैंने डॉलर शॉप से लिया है, इसके ऊपर मिरर भी है अंदर, काफ़ी अच्छा है, इसका ब्रश भी दिया हुआ है, तो ये क्या आपको जैसी लगे वीडियो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मेरे साथ कमेंट में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी और कैसा लगा। और ये छोटा ब्रश भी रहा है, दिखा रहा है, ब्रश की मैं अलग एक वीडियो आपको बनाऊँगी, बताऊँगी कि ईजीली ब्रश से और ब्रश के बगैर कैसे आप मेकअप कर सकते हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर की अभी भी ज़रूरत है, मुझे तो रहेगी ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये कि अल्लाह के फजल करम से एक दफ़ा चैनल ग्रो कर जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आप लोगों की हेल्प की वजह से ही होगा। ये बॉक्स मैंने इसलिए लिया था कि मैं अपने पार्लर में जब होती थी जब का ये, इसको भी माशाल्लाह से पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, तो 6 साल तो समझे, 6 साल नहीं, 6 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, 6 साल पहले मैं पार्लर का काम करती थी, ये जब का है तो वैसे 6 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो बस एक दफ़ा ले लिया था तो बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा रोज़मर्रा का मेकअप जो है वो अलग है, अब रात में यहाँ बैठे हुए पता नहीं क्या कर रहे हैं, और हाथ में क्या लिया आपने, इस छोटे से ब्रश के कंटूरिंग ब्रश के पीछे पड़ गए, मैं इसमें रख रही हूँ, चलो इधर जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।